नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। कैरियर काउंसलिंग के हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा डॉक्टर कैसे बने। स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं और उनको जब पूछा जाता है कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो कोई इंजीनियर का कहता है तो कोई डॉक्टर का कहता है, लेकिन वो एक बचपन होता है, ऐसे में वो कुछ भी बोल देते हैं। उनको जो भी सपने घर वालों की तरफ से समाज में जो दिखाए जाते हैं सिर्फ उसी तक सीमित रहते हैं और उतना ही उनको पता होता है, लेकिन एक्चुअल में डॉक्टर कैसे बना जाता है, उसके लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए क्या कुछ प्रयास 10वीं क्लास के बाद से ही शुरू करने होते हैं, वो तमाम जानकारी आज हमारे करियर काउंसलिंग के इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे। और आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं करियर काउंसलर संदीप कुमार। संदीप जी, सबसे पहले तो आपका एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है डॉक्टर कैसे बने, तो एक बचपन में एक जो बच्चों से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, लेकिन 10वीं क्लास जब वो करते हैं तब उनको ये पता नहीं होता है कि हमें क्या कुछ करना चाहिए, डॉक्टर बनने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे प्राथमिकता प्रोसेस जो है वो क्या है? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है पुनिया जी। 10वीं के बाद डॉक्टर बनने के लिए बच्चे में क्या क्षमता है, क्या गुण है, उसके अनुसार आप 11वीं और 12वीं की पढ़ाई है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और प्लस टू करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, वो एग्ज़ाम दे के आप डॉक्टरी के कोर्स में प्रवेश कर सकते हो। एग्ज़ाम की बात है तो इसके डेट क्या रहती है, कब इसके फॉर्म फिल होते हैं और कब इसके एग्ज़ाम होते हैं? डॉक्टरी के एग्ज़ाम के लिए आपको नीट का टेस्ट देना होगा। इसका फॉर्म है वो फरवरी में स्टार्ट हो जाता है और इस बार मार्च सेकेंड वीक तक इसकी लास्ट डेट है। इसका आप फॉर्म है पेपर देने से पहले आपको भरना होगा और पेपर के बाद इसकी आप तैयारी करके और अपना एग्ज़ाम दे करके और उसमें जो भी आपके रैंक आएंगे उसके हिसाब से आपका एडमिशन है वो हो जाएगा। एग्ज़ाम कब होता है इसका? एग्ज़ाम इसका मई और जून में जनरली हो जाता है। इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। संदीप जी, ये जो एग्ज़ाम है इसमें टेस्ट हो गया, तो कितने साल तक ये इसकी पढ़ाई होती है? और उसके बाद में अगर बात करें जॉब की, तो ऑप्शन क्या गवर्नमेंट डॉक्टर की का ही ऑप्शन होता है या इसके अलावा भी ऑप्शन होता है? डॉक्टर के लिए पढ़ाई है वो सामान्य रूप से 5 साल की होती है और इसमें आपको नौकरी के चांस है वो एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र मिलता है। आप सरकारी क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे सकते हो, प्राइवेट क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे सकते हो और देखा जाए बेसिकली तो ये एक हुनर है और ऐसा हुनर है कि जिसकी हर एक को ज़रूरत है और हर एक जगह पे ज़रूरत है। इसमें ये नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर शहर में ही काम करना होगा, इसके लिए शहर, गांव, सब जगह पे ही डॉक्टर की ज़रूरत रहेगी। तो नौकरी का स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा है। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए आपकी निसंदेह इंग्लिश के अंदर अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि जो मेडिकल की पढ़ाई है उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बुकें होती है और एक सिलेबस है वो इंग्लिश के अंदर पूरा का पूरा रहता है। तो इंग्लिश के अंदर आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ें मैं ये कहूँगा कि दूसरे देशों के अंदर जैसे रशिया है, चाइना है, वहाँ से भी आप पढ़ाई पूरी कर सकते हो, बट वहाँ की लैंग्वेज है वो उसके साथ आपको कॉम्प्लिकेट करना होगा और आपको उधर का टेस्ट देना होगा। दीप जी, इसमें अगर खर्चे की बात की जाए तो कितना का खर्चा आ जाता है? 5 साल का आपने बताया है, तो फीस वगैरह क्या कुछ है इसकी? फ़ीस की अगर बात की जाए तो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए सरकारी क्षेत्र के अंदर फीस है वो काफ़ी कम है, जो कि आपकी 10 से 20 हज़ार रुपये मासिक रह सकती है। और प्राइवेट के अंदर है आपकी फ़ीस है, वही फीस है वो लाखों में हो सकती है। अभी सरकार ने फीस को थोड़ा बढ़ाने का और इसमें बॉन्ड एक फिल करने का भी
अपना प्रस्ताव है वो रखा है, उसके अगर वो पास होता है तो फीस काफ़ी बढ़ भी जाएगी। तो एक आम और सामान्य परिवार के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा एक नकारात्मक है, फिर भी इसके अंदर सहयोग है वो सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छा है। संदीप जी, इसमें अगर स्टडी की बात की जाए तो अलग अलग अगर गांव से जो स्टूडेंट हैं तो वो कहाँ अपनी पढ़ाई कर सकता है, क्या उसको बड़े शहर में जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, इसकी पढ़ाई कहाँ कहाँ होती है? डॉक्टर की पढ़ाई के लिए आपको मेडिकल कॉलेज में नज़दीकी जो भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी एडमिशन मिल सकता है और आपको दूर भी जाना पड़ सकता है, पर इसका मुख्य एडमिशन है वो आपके रैंक पे डिपेंड करेगा। जितने रैंक अच्छे होंगे उसी के हिसाब से आप अपना नज़दीकी या पसंदीदा कॉलेज है वो ले सकते हो। तो ये आज हमने आपको मेडिकल लाइन के अंदर किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या उसकी फ़ीस रहती है और क्या उसका स्कोप है, तो ये पूरी विस्तार से जानकारी हमने दी है। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आप अगर इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये हमारा प्रोग्राम काफ़ी लाभप्रद रहेगा। जल्दी एक और करियर के बारे में आपको जानकारी देंगे, तब तक के लिए नमस्कार।